सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे हम भाषा इंडिया टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। जो ये पहला लिंक आएगा, भाषा इंडिया डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए विंडो इस तरीके की आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इसमें देखिए इंडिक इनपुट 3 ये आपके सामने खुलकर आएगा। इसमें आपको सर्च कर लेना हिंदी। देखिए लेफ्ट साइड में सीक्वेंस सारी लैंग्वेज दिए रखी हैं फॉन्ट की, तो इसमें ये हिंदी आपको सर्च कर लेनी है। हिंदी पे, हिंदी के सामने आपको ये देख लेना है कि आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है या पीसी है, कितने बिट का है, 32 बिट का है, 64 बिट का है, कैसे देखना है। तो नहीं देख पाते तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे देखना होता है, ठीक है। तो आपका सिस्टम जो भी है 64 बिट या 32 बिट का, आप उसके अकॉर्डिंग हिंदी के सामने वाले फॉन्ट पे क्लिक करके डाउनलोड पे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट साइड में देखिए ये रेड सर्कल से मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने लगेगी। जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है, अभी फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है, इस तरीके से फाइल खुल जाएगी आपकी फोल्डर में। अब इसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करोगे, ये देख लीजिए इस तरीके से, इसमें आप क्लिक करोगे तो ये खुल के आएगा। तो जिसमें ये कंप्यूटर का आइकन बन के आ रहा है, सेटअप पे नहीं क्लिक करना है, उस पर क्लिक करना है जो कंप्यूटर आइकन है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा सामने आपके। अब इस पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, अब ये फिर से नेक्स्ट पे, ओके हो गया। इसके बाद ये होगा, प्लीज़ अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा समय लेता है, फिर एकदम से हो जाएगा। हाँ देखिए जब ये कंप्लीट हो गया, तब इसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया है, अब आपको तो क्लोज करने के बाद इसको बंद कर देना है, ठीक है। ये आपका जो मंगल लेआउट वो है फॉन्ट, ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सेटिंग करनी होगी, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, देखिए ये जो आप जहाँ पे देखिए नीचे आपको राइट कॉर्नर पे अभी मैं EN लिख के आता होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे EN के ऊपर हिंदी भी लिख के आ गया होगा, ठीक है। देखिए मैं ये रेड कलर का आपका तीर का निशान दिख रहा होगा, ये इस तरीके से हिंदी लिख के आ जाएगा, ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाता फॉर्म। अब आप MS Word की फाइल खोल लीजिए कोई भी, ठीक है, या नोटपैड खोल लीजिए। इसके बाद आपको सेटिंग पे जाना है। अभी यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, शायद अगर डायरेक्ट करोगे तो शायद सही से काम नहीं करेगा आपके, ठीक है। तो आप इस पे जाएंगे सेटिंग पे, सेटिंग पे ये स्पेलिंग टाइपिंग एंड कीबोर्ड सेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे, ये देखिए इस पे, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो खुल के आएगी, ठीक है। इसको मैं साइड में उठा कर रख देता हूँ, ठीक है। हाँ अभी देखिए इस तरफ लेफ्ट साइड देखिएगा, नीचे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, इस तरीके से आपके देखिए एडवांस कीबोर्ड सेटिंग करके ये ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे देखिए इस पे, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके के सामने आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये नीचे दो चेक बॉक्स आ रहे हैं, इसमें बने हुए यूज द डेस्कटॉप लैंग्वेज, ठीक है, इस बार व्हेन इट्स अवेलेबल, ठीक है, इस पर आपको टिक मार्क लगा देना है, ठीक है। ऊपर वाले पे मत लगाइए, लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर लगा देना आपको, ठीक है। इस पर लगाने के बाद ये आपकी यहाँ सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपने चेक बॉक्स लगा दिया, इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है, ओके। अब आपके वापस जाइएगा, नीचे जो EN जहाँ लैंग्वेज लिख के आता है राइट साइड पे, जहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है नीचे, आपके देखिए नीचे टास्क बार पे, ये देखिए H, अब वहाँ पे HN भी लिख के आ गया होगा, EN भी लिख के आया होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आपको हिंदी को चूज़ करना है। आप जैसे ही हिंदी को क्लिक करोगे, हिंदी को, तो ऊपर देखिए इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा खुल के, HN हिंदी, ठीक है, हिंदी इनपुट है, सेटिंग, सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो ये कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। कीबोर्ड पे जाके आप जो जिस फॉन्ट पे, जिस लेआउट पे, मंगल के कई सारे लेआउट हैं जो सामने आपके सारे खुल के आ जाएंगे, जो मंगल में सारे लेआउट होते हैं, ठीक है। तो ये विंडो 8 में तो आपका खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप टाइपिंग चालू कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये गलती हो जा रही क्योंकि मैं आपको बता भी रहा हूँ और कीबोर्ड पर टाइपिंग करते जा रहा हूँ, इसलिए गलतियाँ थोड़ा एक मेरा ध्यान दोनों तरफ है इसलिए, ठीक है। तो आप इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, ये मैटर इस तरीके से आपका, ये देखिए मैटर, ये मंगल लेआउट में जो अक्षर होते हैं वो इस तरीके से आपके ये बनते हैं, ठीक है। ये टाइपिंग हो गया पूरा मैटर।